I hate you. मुझे नफरत है इस बात से कि आपकी कमर लड़कियों से ज्यादा अच्छी लचकती है. मुझे नफरत इस बात से है कि आपकी कमर कई लड़कियों से ज्यादा छोटी है. हमसे तो डेफिनेटली. मुझे नफरत है कि नजाकत आप में लड़कियों से ज्यादा है. मुझे नफरत है कि आप अपने डांस से इतना प्यार करते हैं कि मेरी नजर आपके डांस से हटी ही नहीं. मुझे नफरत है कि मैंने इतनी शिद्दत अपने टाइम में क्यों नहीं दिखाई. आओ स्टैंडिंग मेरे पास. आपके जो 3 बेस्ट मूव्स थे, ओपनिंग जो सेक्शन था आपका, जिस तरीके से आपने अपने कमर हिलाई और जिस तरीके से आप नीचे उतरे उस कमर के साथ और फिर ऊपर उठे, ब्यूटीफुल. फिर जब मैया मैया का स्टेप आया और आपने एक बॉडी की वाइब्रेशन ली और फिर थम गए आप एक पल के लिए, फिर वापस शुरू कर दिया. जिस तरीके से आपने म्यूजिक के साथ खेला, वाह, मतलब ऐसा लगा कि वो बीट चल रहा है और आप भी चल रहे हो उसके साथ. आपकी जो कमर हिल रही थी, कपकपा रही थी और उसका आपने कंट्रोल किया एकदम, मतलब छोड़ गया अपने बॉडी को. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. ये जरूर कहूंगा कि टाइम बदल रहा है. ये जेंडर बेंडर वाली बात हो गई. यू नो इट्स नो लॉन्गर अबाउट लड़के ये करते हैं, लड़कियां ये करती हैं. जब लड़कियां वो करती हैं जो लड़के करते हैं तो उनको शाबाशी मिलती है, बट समहाउ जब लड़के वो करते हैं जो लड़कियां करती है उनको यू नो शाबाशी नहीं मिलती. हमारा ये शो है, हम दिल खोलकर आपका स्वागत करेंगे. बिकॉज यू डिजर्व टू बी हियर. वी डोंट केयर कि आपका जेंडर क्या है. वी डोंट केयर. वी डोंट केयर. एब्सोल्युटली. वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन डांस एंड द बेस्ट डांस. इंडियाज बेस्ट. थैंक यू सो मच. दैट्स ब्रिलियंट. आई एम श्योर जहां आप रहते हो आसान तो नहीं होगा. आप बेली डांसिंग करते हो, आई एम श्योर वहां पे बहुत लोग होंगे जहां पे कहते होंगे कि ये लड़का बेली डांसिंग क्यों कर रहा है, ये लड़कियों का डांस है. I'm sure ये सब आप तो सुनते रहेंगे. हाँ ये बहुत टाइम से सुनता आ रहा हूँ. स्टार्टिंग से ही चलता है सब. मतलब मेरे पेरेंट्स भी मना करते हैं कि तुम लड़का हो और ये लड़कियों वाला डांस कर रहे हो. ये घाघरा, मतलब ये ज्वेलरी वगैरह, ये सब लड़के थोड़ी ना पहनते हैं. बस्ती में डांस डांस होते थे तो मैं जाता था करने. तो मेरे स्टार्टिंग से ही गर्ल्स फॉर्म था, मैं गर्ल्स डांस ही करता था. तो बस्ती वालों ने घर पे जाके बोला कि अरे आपका लड़का तो ऐसे डांस कर रहा है, गर्ल्स जैसे डांस कर रहा है, कॉस्ट्यूम पहन रहा है. तो पापा ने बहुत मारा था कि ये डांस क्यों कर रहे हो. पापा ने मारा था? हाँ, बचपन में बहुत मारते थे. मेरा लड़का लड़कियों के कपड़े पहन के डांस करता है तो हमने इसको डांटा कि यार ये डांस नहीं करो, ये डांस में मोहल्ले वाले काके हैं, हर कोई नाम बदनाम कर रहा है तुम्हारा. हमें भी शर्म आती है कि वो हमारे पड़ोस में रहता है, वो भांड है. उसके पापा को कईयों बार हमने समझाया, पूरे मोहल्ले वालों ने समझाया कि समाज में ये सब नहीं चलता है. और जब भी मौका मिलता है पूरे मोहल्ले वाले उसके घर पे जाते हैं समझाने के लिए. सभी लोग कहते हैं, मतलब उसकी मर्दानगी पे कोई सवाल भी उठाता है कि ये लड़का है कि लड़की है. शर्म भी आती है मुझे कि अब मैं उसका पड़ोसी हूँ, बेकार सा लगता है वो. लेकिन फिर भी इन सब के बीच है ना मेरे लकी भैया, मैं आज जो कुछ भी हूँ सब उन्हीं की वजह से हूँ. क्या बात है.
लकी भैया आए सब, हाँ आए हैं आज। अच्छा किसी ने सपोर्ट नहीं किया बट उनने सपोर्ट किया।